उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा के निर्देशन व नेतृत्व में आज विकास दुबे के नेपाल भागने के इनपुट मिलने पर बहराइच के सभी थानों व खासकर बॉर्डर एरिया को थाने व एसएसबी तथा फॉरेस्ट गार्ड के साथ समन्वयक स्थापित कर बॉर्डर एरिया पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान आने जाने वाली सभी गाड़ियों व लोगों की विधिवत चेकिंग की जा रही है तथा सभी पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप व ग्राम प्रधानों तथा एसएसबी के लोगों को विकास दुबे का फोटो उपलब्ध कराने के साथ ही प्रमुख चौराहे पर चस्पा किए गए हैं। बहराइच से मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। दुखद घटना के तहत विकास दुबे के भागने नेपाल भागने का जो इनपुट मिला है उसमें हम लोग पूरे जनपद में स्थान स्थान पर जो नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए थाने हैं वहाँ सघन चेकिंग करा रहे हैं। सारी पुलिस को अलर्ट किया गया है। बॉर्डर पर मैं एसएसबी से और नेपाल के अधिकारियों से समन्वय के दृष्टिगत जो है मीटिंग भी अभी किया हूँ और विकास दुबे की फोटो उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही उस पर जो 2.5 लाख का इनाम है उसके बारे में भी सारे लोगों को अवगत कराया गया है। पूरे पुलिस ग्रुप में उसकी फ़ोटो को प्रसारित किया गया है तथा गांव-गांव ग्राम प्रधानों को भी सेंसिटाइज हम लोग कर रहे हैं कि कहीं भी अगर जंगल के रास्ते या संपर्क मार्गों के रास्ते वो पैदल चलते हुए या किसी अन्य छद्मवेश में किसी छद्म सवारी का साधन करते हुए उपयोग करते हुए भागने का प्रयास करता है तो हर हाल में पकड़ा जाए। एसएसबी से हम लोग पूरी तरह समन्वय बनाए हुए हैं। फॉरेस्ट गार्ड्स के माध्यम से भी जंगलों की निगरानी की जा रही है ताकि वो जंगलों के माध्यम से भी भागने ना पाए।